हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए एकदम न्यू रेसिपी लाई हूँ। वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाना बहुत ही आसान है। और आप इसे एक बार बनाएंगे तो सप्ताह में 2 से 3 बार तो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम स्प्रिंग ऑनियन और अंकुरित चना, जिसे आप स्प्राउट भी कहते हैं। की जगह चाहे तो नॉर्मल चना भी ले सकते हैं। और चलिए अब हम एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने चने को 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसे कपड़े में बांध करके 2 दिन के लिए रख दिया था। और इसके इतने बड़े बड़े अंकुर निकल आए हैं। और अब हम स्प्रिंग ऑनियन लेंगे। ऑनियन को हम इस तरीके से इसके ऊपर वाले भाग या जड़ को कट कर लेंगे, जिससे ये इजीली साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ मैंने इसे 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब हम इसके नीचे वाले भाग को अलग कट करके रखेंगे। और इसके बचे हुए साग को हम इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे। और एक तरफ इकट्ठा करके स्प्रिंग ऑनियन या साग वाले प्याज को इस तरीके से बारीक कट कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे स्प्रिंग ऑनियन को बारीक कट कर लिया है। और ये देखिए, इसके जो प्याज वाले भाग थे उसे भी हम चाकू से इस तरीके से बारीक कट कर लेंगे। और इसके प्याज को हम इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे, जिससे इसका भी ईजिली यूज़ हो सके। स्प्रिंग ऑनियन के साथ हम इसके प्याज का भी यूज़ इस रेसिपी में करेंगे, जिससे सभी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसे दूसरे बर्तन में इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे। विंटर का सीजन है, बाज़ार में बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्प्रिंग ऑनियन आ रहे हैं, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर घर पर ट्राई करें। और ये देखिए, यहाँ मैंने एक आलू को अच्छे से छील कर इसे कद्दूकस कर लिया था और इसे पानी में डाल दिया था, जिससे आलू हमारे काले नहीं पड़ेंगे। और अब हम इसे स्प्रिंग ऑनियन के ऊपर डालेंगे और इसे बीच में अच्छे से फैला लेंगे। और इसके ऊपर स्प्राउटेड या अंकुरित चना डालेंगे। इस रेसिपी को अगर आप एक बार बनाएंगे तो बच्चे हो या बड़े, सभी इस पे टूट पड़ेंगे और आपसे मांग मांग के खाएंगे। ये जितना ज़्यादा स्वादिष्ट है, सेहत के लिए उतना ही ज़्यादा हेल्दी भी है। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, कटे हुए 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। आप इसकी जगह रेड चिल्ली फ्लेक्स या रेड चिल्ली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और इन सभी इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और नमक भी सारे इंग्रेडिएंट के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। और हमने इसमें नमक डाला था, जिसके वजह से स्प्रिंग ऑनियन पानी भी छोड़ेगा। और अब हम इसमें 4 बड़ी चम्मच बेसन डालेंगे। यहाँ मैंने बेसन का यूज़ किया है, क्योंकि बेसन सभी के घर पे अवेलेबल भी होता है और ये बहुत हेल्दी भी होता है। आप इसकी जगह 1/2 चावल का आटा, 1/2 कॉर्नफ्लोर और मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच चावल का पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम हल्के हाथों से सारे इंग्रेडिएंट को मिला लेंगे, जिससे सारे इंग्रेडिएंट आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। हम इसमें अभी पानी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला था। नमक की वजह से स्प्रिंग ऑनियन और चना पानी छोड़ेगा। और अब हम इसे हल्के हाथों से दबाते हुए सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, बेसन हमारे सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से सोख लिया है और ये काफ़ी अच्छा सूखा सूखा इसका बैटर बन गया है। और अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह मसलते हुए इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। आप इससे ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो बैटर हमारा काफ़ी लिक्विडी हो जाएगा और जब हम इसकी रेसिपी बनाएंगे अच्छी नहीं बनेगी। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच और पानी डालेंगे और इसे मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए इसे रहने देंगे, जिससे बैटर हमारा अच्छी तरह सेट हो जाएगा और इन सभी इंग्रेडिएंट का फ्लेवर बेसन में भी अच्छे से आ जाएगा। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर की जगह आप इसमें 1/2 चम्मच जीरा भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन और जीरा पाउडर को भी हम हाथ से ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, जिससे इसका भी फ्लेवर इसमें ऐड हो जाएगा। इसे मिक्स करके हम इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें।
और आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है, ना ज़्यादा लिक्विडी है ना ज़्यादा ड्राई है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें तेल गरम होने देंगे, तेल को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गरम होने देंगे। और अब हम इसमें एक एक करके थोड़े थोड़े क्वांटिटी में इस बैटर को डालेंगे। बैटर डाल करके गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पे स्प्रिंग ऑनियन और अंकुरित चने के हम भजिया बनाएंगे। ये भजिया खाने में जितना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है। तो आप इस रेसिपी को बच्चों के टिफ़िन या लंच बॉक्स के लिए भी बना करके दे सकते हैं। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और उनके सेहत के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। और अब हम इसे अच्छे से इस तरीके से हल्के हाथों से पलट देंगे, जिससे इसके दूसरे तरफ भी अच्छे से ये सिक जाएंगे। हमें इसे हल्का गोल्डन कलर या सुनहरा कलर होने तक हम इसे इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से पलटते रहेंगे, जिससे इसके सारे तरफ ही अच्छे से ये फ्राई होंगे और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सारे लोगों के पास ये रेसिपी पहुँचे और सभी लोग अपने घर पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। और ये देखिए, स्प्रिंग ऑनियन और अंकुरित चने की भज्जी बनके हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। और चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इस रेसिपी को आप शाम के चाय या सुबह के नाश्ते में भी इजीली बना सकते हैं। और बच्चों के बर्थडे पार्टी हो या टिफ़िन बनाना हो तो आप इस रेसिपी को फटाफट से बनाएं। और चलिए अब हम बचे हुए बैटर का भी इस तरीके से छोटे छोटे से भजिया तेल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। आप इस तरीके से भजिया, घर में मेहमान आने वाले हैं तो भी आप बैटर मिक्स करके रख सकते हैं, और जब भी आपके घर में मेहमान आए तो आप इसके फटाफट से भजिया बना करके निकाल लें। आपके मेहमान भी आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं रुकेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने भजिया को प्लेट में सर्व कर लिया है। आप इस भजिया को ऐसे खाएं या सॉस या चटनी के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी इजीली पैक करके दे सकते हैं। और ये देखिए, ये ऊपर से जितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है अंदर से उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है। और चलिए अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है और ये इजीली हाथ से टूट भी रहा है। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और चलिए अब मैं आप सभी के साथ मिलूँगी एक और नई रेसिपी में।